श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कांवड़ शिव महापुराण कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है। आज कथा का पहला दिन था। पहले ही दिन गुरुजी ने नए नए उपाय बताए, जिन उपायों को करके हम हमारे जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो सावन अधिक मास का महीना आया है, यह 3 साल में एक ही बार आता है, तो मौका मत गंवाइएगा। गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष उपाय, इन उपायों को करके मनवांछित फल की प्राप्ति जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों तक मुझे लग रहा है कि वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, पता नहीं क्या चैनल में प्रॉब्लम आ रही है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे आप लोग। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास यह वीडियो पहुँच जाती है वह और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर की जाए। क्योंकि इस चैनल पर वही उपाय आते हैं जो गुरु जी पंडित जी द्वारा बताए गए थे, उन उपायों को सुनकर समझकर आपको समझाने की कोशिश की जाती है, उपाय करके दिखाए जाते हैं। तो पहला उपाय, यह उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, उम्र बढ़ती जा रही है पर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयास कर लिए है आपने, आप परेशान से हो गए हो, आपकी झोली नहीं भर पा रही है, तो गुरुजी ने यह एकदम नया उपाय बताया है। और यह उपाय केवल श्रावण के महीने में ही करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या अपनी झोली के अंदर, जी हाँ, जैसे अपनी साड़ी है, साड़ी के अंदर झोली होती है, उस झोली के अंदर, पल्लू के अंदर आपको डालना है एक मुट्ठी धान यानी चावल। एक मुट्ठी धान चावल डाल लिया है आपने और उसको ऐसे कैसे अपनी कमर में खोस लीजिएगा। साड़ी का जो आगे वाला पल्लू होता ना, सीधा पल्लू की साड़ी पहनिएगा, आगे का जो पल्लू रहे उस पल्लू के अंदर एक मुट्ठी चावल का आप उसमें डाल लीजिएगा। डाला और कमर में खोस लिया आपने, फिर आपको क्या करना है, कांवड़ का जल तैयार करना है। तो कैसे करना है, आपको आपके घर के आसपास भी अगर शिवालय हो तो वहाँ तक भी आप जा सकते हो, पर कैसे जाना है, एक लंबा बम्बू या लंबी बांस की डंडी ले ले, बम्बू ले ले, और उसके आगे और पीछे आपको लोटे बांध लेना है। लोटे बांध ले या आप कोई केन हो तो केन बांध सकते हैं, बॉटल तो बॉटल बांध लें। यानी आपको कांवड़ के रूप में तैयार करना है। ध्यान रखें, कांवड़ सर के ऊपर से नहीं घुमाई जाती, ध्यान रखना है आगे से रख ले कंधे पे या पीछे से कंधे पर रख ले। तो कंधे पर रख कर और अपनी झोली में चावल भर कर आपको जाना है शिवालय। और शिवालय पहुँच कर सबसे पहले आपको क्या करना है, कांवड़ का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। एक ही धारा में, दोनों उल्टे और सीधे हाथ में जल पकड़िएगा और एक ही धारा में जल समर्पित करेंगे। फिर आपने झोली के अंदर जो चावल भर के ले गए वह आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे और बाबा से कहना, जैसे मैं झोली भरकर आपके सम्मुख आई हूँ अपनी मनोकामना लेकर, वैसे मेरी झोली खुशी से भर दो, मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आप कृपा करोगे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह विशेष उपाय एक ही बार करना है, पर सच्चे दिल से करना, फिर देखना आपकी झोली खुशियों से भरी जाएगी, संतान की प्राप्ति आपके घर में होगी ही होगी। दूसरा उपाय है विवाह के लिए। जी हाँ, विवाह के लिए अगर योग नहीं बन पा रहे हैं, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ पा रहे हैं, बहुत परेशान से हो गए, हताश से हो गए हो, तो बुधवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है, शाम के समय कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, पर सुबह नहीं कर पाओ तो शाम के समय आप कर सकते हो। क्या करना है, आपको लेना है एक कलश। जी हाँ, क्या लेंगे, एक कलश, और उस कलश में आपको भरना है चने की दाल। जी हाँ, क्या भरना है, चने की दाल, अच्छी ऊपर तक उस कलश को भर के चने की दाल एक लोटा आप ले लीजिएगा। उसके ऊपर आपको रखना है एक एक के सिक्के, कलश के ऊपर आपको रखना है एक एक के सिक्के क्वाइन, और उसी के ऊपर आपको रख देना है पूजा की सुपारी। दो सिक्के रखोगे, दो पूजा की सुपारी रखना, सिक्के के ऊपर पूजा की सुपारी, इतना करा आपने। ऐसा करने के बाद उसके ऊपर आपको बांधना है पीला कपड़ा। जी हाँ, क्या बांधोगे, पीला कपड़ा, और बांधकर अपने घर के मंदिर में ही आपको रख देना है। जी हाँ, कहाँ रखोगे, अपने ही घर के मंदिर में। समझ में आ गया, एक लोटा उसमें चने की दाल, दो सिक्के, दो पूजा की सुपारी, और पीले कपड़े से उसका मुंह बांध दोगे। मुंह बांधने के लिए आप जो मोली आती है उसका उपयोग कर सकते हो। अपने घर में रख दिया आपने, यानी अपने मंदिर में रख दिया आपने। अगले दिन आपको सुबह गुरुवार के दिन, ठीक है, अगले दिन सुबह गुरुवार के दिन आप क्या करोगे, उठकर सबसे पहले उठे शुभ मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त जो बोलते हैं, तब उठेंगे, उठकर स्नान करेंगे, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। उठकर स्नान करने के बाद उस कलश की आपको पूजा करना है।
पूजा कैसे करना है। कंकू चावल हल्दी समर्पित कर दे, 2 अगरबत्ती लगा दे, फूल समर्पित कर दे, फिर उस कलश को उठाकर सीधे हाथ में रख कर उसके ऊपर उल्टा हाथ रखना है, ढकना, अपनी मनोकामना बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। ठीक है, हाथ में रखा है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर आपके घर के आसपास जब भी पंडित जन रहते हो, ब्राह्मण जन रहते हो, उन्हें उस कलश को दे देना है जाकर। तो अपने साथ किसी को लेकर जाए, क्योंकि आप तो चुप रहोगे, आप तो बोलोगे नहीं, जो आपके साथ गया वह बोल दे और जाकर कि हम कुछ देने आए हैं आपको, और फिर आप दे दीजिएगा, उनके चरण स्पर्श कर लीजिएगा और अपने घर आ जाइएगा। बस इतना सही यह उपाय, यह उपाय शीघ्र विवाह की कामना करने वाले के लिए, मनपसंद विवाह की कामना करने के लिए। तीसरा उपाय, यह कांवड़ शिव महापुराण कथा में गुरु जी ने बताया है, बहुत हताश से हो गए, विषम परिस्थितियाँ खत्म नहीं हो रही है, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हो, कष्ट हो, समस्याओं से भरे पड़े हो, एक के बाद एक समस्या सम्मुख आ जाती है। तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप करके अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हो, मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ठीक है, बेलपत्री और लोटा जल लेकर जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुँच कर बेलपत्री सबसे पहले समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है ना, माँ अशोक सुंदरी के तरफ करना है। बेलपत्री समर्पित करने के बाद उसी के ऊपर आपको फिर 1 लोटा जल जो लेकर गए हो वह एक ही धारा में समर्पित करना है। ध्यान रखिए, एक ही धारा, धारा टूटे ना, एक ही धारा में जल समर्पित करें और अपनी मनोकामना बाबा से कह दे। बस इतना सही यह उपाय, यह उपाय गुरुजी ने विशेष कांवड़ शिव महापुराण कथा में बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है दिल से कि और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।